नमस्कार दोस्तों, प्रेमा कुकिंग में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी हमारी है आम का पन्ना बनाएंगे। तो पन्ना हम बनाएंगे स्टोर करने के लिए, ताकि मैं चार महीना पांच महीना तक स्टोर हो जाए हमारा। तो दोस्तों, हर सीजन में आम नहीं मिलता है, तो आम का सीजन है दोस्तों, तो आप जरूर बनाएं पन्ना 4 महीना 5 महीना पीने के लिए। तो बना के स्टोर करने के लिए हमें क्या क्या की चीज चाहिए, तो देर नहीं करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आम का पन्ना कैसे बनता है स्टोर करने के लिए। पन्ना बनाएंगे तो आम का पन्ना दोस्तों स्टोर करेंगे इसको, तो कम से कम ना तो हर सीजन में तो आम मिलता नहीं है। आजकल बहुत आम मिल रहे हैं, तो इसको हम बना करके तीन चार महीना के लिए बना करके किसी बोतल में करके हम फ्रिज में रख सकते हैं। तो देखिए, इसको पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी समझ में आएगा कि कैसे कैसे ये बना है। तो देखिए, मैंने आधा किलो आम ले ली हूँ, ये देखिए छील लिया है, बड़ा बड़ा आम है, आधा किलो में 2 आम चढ़ा है। तो ये हमने एक आम काट ली हूँ, एक आम छील के रखी हूँ आपको दिखाने के लिए। इसमें डालने के लिए ये देखिए हमने पुदीना लिया है, पुदीना भी थोड़ा सा है। और ये देखिए, एक आधा किलो आम है हमारा, तो 200 ग्राम मैं चीनी ली हूँ, तो चीनी मैं इसमें डालूंगी। फिर इसमें देखिए और क्या पड़ेगा, ये सादा नमक है, काला नमक है, सौंफ है आधा चम्मच पिसा हुआ, और 1.5 चम्मच जीरा है, भुना हुआ जीरा है, सौंफ भुना हुआ नहीं है, पाउडर है। तो आइए अब आगे हम आम को काट लेते हैं, काट के इसको उबलने के लिए रखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने गैस जला दिया है, अब ऊपर बर्तन रख दिया एक ठो। अब इसमें मैंने देखिए इस कप से 1.5 कप पानी डालूंगी जिस कप से मैंने चीनी लिया है। अब जिस बर्तन से लें उसी बर्तन से 1.5 कप डालना है पानी। तो देखिए, एक कप डाल दिया मैंने, आधा कप और पानी डालूंगी, ये देखिए आधा कप पानी डालूंगी, 1.5 कप। अब इसमें हम इसको उबलने के लिए रखेंगे, हमको काट लिया है इस तरह से पीसेस काटा है, तो अब इसको हम डाल देते हैं उबलने के लिए। मैंने डाल दिया है, अब इसमें मैं सारे को डाल दूंगी उबलने के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है, पानी थोड़ा इसमें डालना है, ताकि जो पानी इसमें रहेगा उसी पानी से को हम पीसेंगे, उसी पानी में हम इसको पीसेंगे, इसीलिए हम थोड़ा पानी डालेंगे इसको। तो इसीलिए मैंने 1.5 कप पानी डाला है। तो अब इसको हम ढक देती हूँ पकने के लिए। ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गया, देखिए इस तरह से हमारा बन रहा है, देखिए इस तरह होने पर आ गया है, 5 मिनट हो गया है। अभी 2 मिनट और इसको मैं रखूंगी, अभी और थोड़ा सा पका लेती हूँ। ऐसे हो गया है, लेकिन थोड़ा सा कसर है, देखिए इस तरह से हमारा हो गया है। पानी बस हमने 1.5 कप डाला था इसमें, इसी में हमें पीसना है। अभी देखिए इसमें इसको देखिए चम्मच डाल के, ये देखिए इस तरह से हो गया है, ये देखिए इस तरह से हो गया है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये अच्छा से आम हमारा हो गया, याद रखना हमने 1.5 कप एक आम डाल के इसको उबाला है, पानी इसका फेंकना नहीं है, इसी में इसको हम पीसेंगे। आइए अब इसको हम ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने दूसरे बर्तन में रख लिया है, अब इसको मैं फैन के नीचे रख देती हूँ, ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा करके मैं फैन के नीचे रख देती हूँ। जब तक से मेरा आम ठंडा हो रहा है दोस्तों, तब तक से हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए देखिए, मैंने 1 कप उसी कप से 1 कप मैंने ये लिया है, चीनी ले लिया है, और देखिए 1 कप इस कप से चीनी लिया, इसी कप से 1 कप पानी ले लिया हमने, आधा कप चीनी और डालती हूँ दोस्तों। देखिए आधा कप चीनी और ले लिया, चीनी उस आम के ही ऊपर पड़ता है दोस्तों। अगर आम ज़्यादा खट्टा है तो 250 ग्राम चीनी ले लें, अगर आम कम खट्टा है टेस्ट करें आम, अगर आम कम खट्टा है तो 200 ग्राम बहुत ज़्यादा है इसके लिए। तो हमारा आम खट्टा है, टेस्ट करने के बाद खट्टा निकला, तो मैं 50 ग्राम चीनी और डाल दिया है। तो अब देखिए हम इसको चाशनी के लिए रखते हैं, 1 कप पानी डाली हूँ, 1.5 कप चीनी डाली हूँ, अब चाशनी के लिए रखते हैं इसको। देखिए दोस्तों, अब मैं गैस जला दी हूँ, मीडियम में चल रहा है गैस हमारा। अब हमें चीनी गलाती हूँ, इसमें एक तार कर हम इसमें चाशनी बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से बनाएंगे चाशनी। इसको चलाते रहना है तो चीनी दोस्तों बैठ जाएगी, ये हमेशा चलाते रहिए। हमारा हो गया है, अभी ये 5 मिनट तक अभी और रखूँगी, अभी ये नहीं हुआ है, एक तार का बनाना है, एक तार का हो जाए तभी जाके होगा। ये देखिए कच्चा नहीं होना चाहिए, चाशनी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो ये आपका टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह अभी हम इसको पकने देंगे, 5 मिनट और पक रहे हैं। देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो गया है हमारा, अब इसको मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, देखिए एक तार पर एक जा रहा, इस तरह से होना चाहिए, नहीं तो इस तरह से हाथ पर भी लेके आप ये कर सकती हैं। ये देखिए
देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से छोड़ रहा, इस तरह ऐसे होना चाहिए इसका, ये देखिए इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से एक तार का, बस ऐसे ही हो गया है हमारा। तो अब हम इसको बंद कर देते। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसमें देखने के लिए तार प्रॉब्लम होता है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं, तो ये देखिए मैंने देखिए इस तरह से निकाला। देखिए ये पहले वाला है जो पिघल गया है, ये देखिए बाद वाला है जो एक जगह जमा हुआ है, बस यही पहचान है। आप जहाँ एक बूंद डालेंगे अगर जम गया वहीं पर, तो समझ लीजिए कि आपका एक तार का चाशनी हो गई। और ये देखिए अभी नहीं हुई थी तो देखिए वो पिघल गया, फैल गया, लेकिन ये देखिए एक जगह ही है, तो ये आपकी चाशनी तैयार है इधर वाली। तो इस ऐसे ही आप चाशनी देख लिया करें। अब हम गैस को बंद कर दिया। अब हम जो आम ठंडा हो गया है उसको पीस लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ठंडा हो गया अच्छा से। अब इसको मैं जार में डाल के पीस लेती हूँ। जब भी पीसा इसको ठंडा करके ही पीसा। अब देखिए मैंने 1.5 कप पानी डाला था, अब इसी पानी में हम इसको पीस डालेंगे पूरा। तो ऐसे ही पीसेंगे, हमने जार ले लिया है दोस्तों, अब इसमें ये डाल के हम पीसेंगे। पूरा को पीस लेते हैं। आम उबाला था पूरा, हम इसमें डाल दी हूँ। अब इसमें देखिए मैं ये देखिए आधा चम्मच सौंफ, मैंने भुना हुआ नहीं है, खाली सौंफ पाउडर मैंने ऐसे ही दराहे है, इसको मैं डालूंगी इसमें। ये देखिए जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर 1.5 चम्मच है। ये देखिए काला नमक है 1 चम्मच है, इसको भी आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि पानी फिर ये शरबत जैसे बनेगा तो उसमें भी चाहिए थोड़ा सा नमक होना चाहिए। तो इसी तरह आप अपने हिसाब से नमक डालें, स्वाद के अनुसार जैसा आपको चाहिए वैसा डालें। और ये देखिए 1 चम्मच सादा नमक है। और ये देखिए ये हमने जो पुदीना लिया था, ये पुदीना मैं इसके साथ पीस लूंगी डाल के पूरा पुदीना। अब इसको हम पीस लेते हैं। याद रहे दोस्तों, गरम नहीं, गरम आम नहीं होना चाहिए पीसने के लिए, ठंडा करके ही पीसें, नहीं तो ऊपर से ढक्कन खुल जाएगा। तो हमेशा ध्यान से मिक्सी चलाएं। देखिए दोस्तों, मेरी ये चाशनी जो है अभी ठंडा नहीं हुई है, गरम है, इसी में डालेंगे, बिल्कुल ठंडा करके नहीं डालना है। तो अब देखिए हमने पीस लिया है, ये देखिए दोस्तों हमने पीस लिया है, देखिए इस तरह से पीसा है, देखिए इस तरह से पीसा है, बहुत बारीक पीस दिया हमने। तो इसी तरह पीसेंगे, पीस करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लाइए अब हम इसको चाशनी में इसको हम डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसमें पूरा डाल लेते हैं इस तरह से पूरे को। इसमें डाल दिया दोस्तों, अब इसको अच्छे से इसको मिला लेना है चाशनी में, बहुत बढ़िया से एकदम खूब चलाते रहना है इसको। कम से कम नहीं तो 5 मिनट लग जाएगा आपको इसको मिलाने के लिए। ये देखिए इस तरह से, याद रखना दोस्तों, अगर आम आपका खट्टा है तो चीनी थोड़ा ज़्यादा है, 250 ग्राम कर दें 1 किलो में। अगर खट्टा नहीं है तो 200 ग्राम ही डालें। तो इस तरह से आप मिलाएं इसको। तो मेरा अच्छी तरह से मैंने मिला दिया है इसको, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए पुदीना डालने से इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसको हम स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करना है दोस्तों 4 महीना 5 महीना आराम से चलेगा फ्रिज में रख के, और कुछ भी इसमें ऐसा वैसा नहीं पड़ा है जो कि आपको नुकसान भी करे। तो आप जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें कि ताकि इसी तरह मैंने जो भी नई रेसिपी बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। तो आइए हम इसको स्टोर कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने ले लिया, एक कांच का बर्तन है, तो इसी में मैं रखूंगी स्टोर करके, स्टील के बर्तन में नहीं रखेंगे। तो देखिए इस तरह से रखेंगे हम सबको, इस तरह से भर के हम इसको स्टोर कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, देखिए दोस्तों इस बर्तन में मैंने स्टोर कर दिया पूरा। आप देखिए दोस्तों, अगर आपको जब भी बनाना, मैंने 1 गिलास पानी लिया है, 1 गिलास में देखिए मैं 1 चम्मच पहले 1 चम्मच डाल के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से 1 चम्मच लें और इसमें डाल करके घोल लें, इसमें से डाल के घोल लें इस तरह से। देखिए दोस्तों, मैंने 1 गिलास में एक चम्मच डाला था, तो ये मीठा नहीं है, कम है, आम भी पता नहीं चल रहा। तो हम इसमें 1 गिलास में 2 चम्मच डाल के देखते हैं इस तरह से। आपको दिखा रहे हैं दोस्तों इसलिए कि आपको पता चलेगा कि हाँ कितना और कितना इसमें पड़ेगा। तो अब देखिए इसको भी मैं मिला के देख लेती हूँ, ताकि थोड़ा मीठा होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा
खट्टा भी होना चाहिए, तो ये दोनों आपको मालूम होना चाहिए कि ये है। तो आप इसको 2 चम्मच डालें। अभी देखिए इसको हम मिला के आपको दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस चम्मच से हमने 2 चम्मच डाला है, तो ये एक गिलास में अच्छा हुआ है। मीठा भी है, खट्टा भी है, नमक भी है, सब कुछ पता चल रहा है। तो इस चम्मच से आप 2 चम्मच लें, बड़ा चम्मच है ये। इस देखिए इस तरह से चम्मच है, तो एक गिलास में 2 चम्मच डाल के आप मिला के किसी को भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा ये आम का पन्ना स्टोर करने के लिए कम से कम 4-5 महीना चलेगा। तो आप अच्छे से स्टोर करें इसको, फिर फ्रिज में रखें। बाहर अगर रखना है तो 1 महीना 15 दिन इतना ही चलेगा, लेकिन फ्रिज में 5 महीना आराम से चल जाएगा दोस्तों। तो आप जरूर बनाएं जरूर। अगर ये आम का पन्ना हमारा आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करना ना भूलें, बेल घंटी जरूर बजाएं। धन्यवाद।